हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। अब जैसा कि मेरा थंबनेल देख पा रहे हैं, अजीत प्रेम जी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है। 2013 से 15 तक 70 लाख नौकरियां कम हुई हैं। 16% युवा जो पहले से बेरोजगार हो चुके हैं। GDP ग्रोथ रेट बढ़ने के साथ नौकरियों के मौके कम हुए हैं। 82% पुरुषों, 92% महिलाओं का वेतन 10,000 से भी कम है। पूरी जानकारी जानेंगे, क्या रिपोर्ट है, क्या ऐसा हुआ है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारे लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे ये बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस न्यूज़ पर। ये है पूरी न्यूज़, हम आपको बिल्कुल पूरा पढ़ के बताएंगे, फिर ब्रीफली समझाएंगे। अजीत प्रेम जी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। 2013 से 2015 तक 70 लाख नौकरियां कम हुई, 16% युवा बेरोजगार है। GDP ग्रोथ रेट बढ़ने के साथ नौकरियों के मौके हुए हैं कम। चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। देश के आर्थिक ढांचे में जो बदलाव हुए हैं उनसे रोजगार के मौके कम हो रहे हैं। 2013 के बाद नौकरियों की संख्या घटी है। युवा और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में बेरोजगारी की संख्या इस समय 16% तक पहुंच गई है। मंगलवार को जारी अजीत प्रेम जी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2013 से 2015 के दौरान नौकरियों की संख्या 70 लाख कम हो गई है। निजी क्षेत्र के हाल के आंकड़ों से पता चला है कि यह ट्रेंड 2015 के बाद भी बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रोथ से कम नौकरियां पैदा हो रही हैं। 1970-1980 के दशक में GDP ग्रोथ रेट 3-4% थी, तब हर साल नौकरियां 2% बढ़ती थी। 2000 के बाद GDP ग्रोथ 7% हो गई, पर नौकरियां 1% या कम परसेंट बढ़ी। पारंपरिक रूप से भारत की समस्या बेरोजगारी रही है, बेरोजगारी नहीं बल्कि अंडर एम्प्लॉयमेंट रही, यानी लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलता। युवाओं और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में बेरोजगारी 16% तक पहुंच गई है। बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ी है, लेकिन उत्तरी राज्यों में यह ज़्यादा है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया नामक रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को जल्दी ही राष्ट्रीय रोजगार नीति बनानी चाहिए। यह रिपोर्ट NSS के अलावा कई सरकारी और निजी संगठनों के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। आगे देख लेते हैं और क्या है। 82% पुरुषों और 92% महिलाओं का वेतन 10,000 से भी कम है। महंगाई एडजस्ट करने के लिए देखें तो सालाना वेतन 3% बढ़ा है। महिलाओं का वेतन पुरुषों का 65% है। 82% पुरुषों और 92% महिलाओं को 10,000 रुपये से भी कम वेतन मिलता है। केंद्रीय वेतन आयोग ने 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन की सिफारिश की है। संगठित मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 90% कंपनियां इससे कम पैसे देती हैं। रिपोर्ट के अनुसार 3 दशकों में संगठित क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में श्रमिकों की प्रोडक्टिविटी 6 गुना बढ़ी है, लेकिन इस अवधि में उनका वेतन 1.5 गुना ही बढ़ पाया है। सरकार ने कहा जुलाई में 14 लाख लोगों को नौकरी मिली। मंगलवार को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने रोजगार के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जुलाई में 13.97 लाख लोगों की नौकरी मिली, जो सितंबर 2017 के बाद सबसे ज़्यादा है। ESIC EPFO और PFRDA के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ESIC में जुलाई में 9.51 लाख लोग एनरोल हुए। सितंबर 2017 से अब तक 61.81 लाख लोग एनरोल हो चुके हैं। ESIC के तहत इंस्टॉल्ड लोगों की संख्या सितंबर 2017 में 2.95 करोड़ थी, जो 2.77 करोड़ रह गई है। मतलब इसका मतलब है ये अभी प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है। गवर्नमेंट सेक्टर की अभी रिपोर्ट जो है वो भी आना बाकी है। देखेंगे क्या रिपोर्ट में आएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा कटौती नौकरियों में मिलेगी। अभी बहुत सारे ऐसा चल रहा है कि गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां बहुत ज़्यादा कमी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कम की जा रही हैं। आपको पता है SSC में भी पहले कितनी वैकेंसी आती थी, बैंकिंग में, रेलवे में कितनी वैकेंसीज आती थी, उसके मुकाबले में, उसके कंपेरिजन में कितनी वैकेंसी आती हैं, आपको ये सब सारी चीज़ें पता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।